2 नवंबर 1990 की ये बात है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के हम सबों ने चाईबासा में भी इसका अलख जगाया था। उस वक्त मेरी स्मृति में है कि हमारे साथ 16-17 लोग जेल यात्रा में गए थे और शहर के बहुत से लोगों का पूरा समर्थन भी हम लोगों को प्राप्त था। चूंकि उस समय पूरे देश में इस तरह की राम जन्मभूमि को लेकर के एक आंदोलन चल रहा था और उसमें हम लोगों ने भी अपनी आहुति डाली और हम सभी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और आज इस बात की बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जिस राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के हम लोग आंदोलित हुए थे और हम लोगों ने जेल की हवा खाई थी, आज उसके सुखद परिणाम और सुखानुभूति हो रही है कि अब हम सभी अपने को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और सभी को अपनी तरफ से मैं अंतर मन से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ सभी साथियों को जो इस आंदोलन में हम लोगों के साथ शरीक हुए और सच्चे मन से निश्चल भाव से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया, शहर के उन सभी तमाम लोगों को जिन्होंने हम लोग जब जेल में थे तो अपना सहयोग प्रदान किया, सभी को पुनः एक बार राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना सहयोग करने के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रेषित करता हूँ और आम जनमानस को, पूरे देशवासियों को राम जन्मभूमि के आंदोलन की परिणति के स्वरूप जो राम जी का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है उसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जहाँ तक मेरी स्मृति में है कि उस समय कोठारी बंधु जो कलकत्ता के थे और भी बहुत से लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन में अयोध्या में शूट आउट कर दिया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा भी रथ यात्रा प्रारंभ की गई थी, लेकिन हम लोगों ने विशेष करके राम जन्मभूमि के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया और उस दिन वहाँ पर गोलीबारी हो गई उसको लेकर के हम लोग आंदोलित हो गए और हमारे सहपाठियों ने भी उस अपना पूरा सहयोग दिया और ये बहुत ही दुखद समाचार था हम सबों के लिए और हम लोगों ने निश्चय किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कार्य में जो कारसेवक अपने प्राणों की आहुति दिए और तो हम सबों को भी नैतिक जिम्मेवारी बनता है अपने राष्ट्र के, अपने देश के और अपने समाज के और अपने धर्म के प्रति अपना कार्य को करने का। उसी को लेकर के मन में एक बात आई और हम लोगों ने निश्चय किया और हम लोग सदर थाना का घेराव किए और जुलूस के शक्ल में गए और हम लोगों ने मांग की कि ये नृशंस हत्याएं हुई है, इसको न्याय मिलना चाहिए और राम जन्मभूमि बननी चाहिए। उसी को लेकर के फिर सभी का सहयोग प्रदान हम लोगों को मिला।